बात अब जनपद शाहजहांपुर की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। बंदरों के आतंक ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। बंदरों ने 2 मंजिला मकान की दीवार हिलाकर गिरा दी, जिससे नीचे दबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से हड़कंप मच गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह और SP S आनंद ने घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। हादसा सुबह करीब 5 बजे चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वाजिद खेल में हुआ। दरअसल यहां के रहने वाले 70 वर्षीय अल्ताफ की 40 वर्षीय बेटी शबनम के पति की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी थी, जिसके बाद शबनम अपने बच्चों के साथ मायके में रहती थी। रात को शबनम, उसकी शादीशुदा बेटी रूबी, बेटा शुएब, शहबाज, बेटी चांदनी आंगन में जमीन पर बिस्तर डालकर सो रहे थे। अल्ताफ भी आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। अल्ताफ के मकान से सटा हुआ उनके छोटे भाई का 2 मंजिला मकान है। सुबह बंदरों ने उसी मकान की एक दीवार को हिलाना शुरू कर दिया। दीवार कमजोर होने के कारण टूटकर अल्ताफ के आंगन में आ गिरी। इस कारण आंगन में सो रही शबनम, उसकी बेटी रूबी, बेटा शुएब, शहबाज, बेटी चांदनी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दीवार गिरने की आवाज पर अल्ताफ ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग भाग कर आ गए। लोगों ने सभी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां शबनम, रूबी, शुएब, शहबाज और चांदनी की मौत हो गई। इस हादसे से पूरा मोहल्ला सदमे में है। जानकारी होते ही कोतवाली पुलिस के साथ DM SP मौके पर पहुंचे। शाहजहांपुर से रईस खान की रिपोर्ट। क्या हुआ? सब हुआ जो है कि सब सो रहे थे यहाँ पे और हमको पता भी नहीं चला था। ऊपर से दीवार गिर गई जी। हाँ, जब उठे तो हम भागे दौड़े तो देखे तो किसी का आवाज साफ निकल नहीं पाया, मैं तो खत्म हो गए। कितने क्या लोग थे यहाँ पर? यहाँ पे 5-7 जने थे, सब लेटे थे एक ही जगह पर परिवार। क्या इसमें कोई खत्म वतम भी हुआ है? हाँ, खत्म हो गए सब। कितने लोग खत्म हुए? इसमें 5 लोग खत्म हो गए। और घायल कितने के हैं? कुछ बचे घायल, 4 कुछ लोग घायल हैं क्या? हाँ, एक लड़का घायल है। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वा वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BMA तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को यह था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फख्र की बात है।